पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया। ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में TMC, तमिलनाडु में UPA, असम और पुडुचेरी में NDA और केरल में LDF की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये सर्वे उस वक्त हुए हैं जबकि 5 राज्यों में चुनावी अभियान चरम पर है। चुनाव आयोग की ओर से इन सभी राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी गई है और पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा रुझान पश्चिम बंगाल को लेकर आया है, जहां BJP ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खुद PM नरेंद्र मोदी और BJP के कद्दावर नेता अमित शाह इस राज्य में पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी राज्य में बाहरी बनाम स्थानीय की राजनीति पर जोर दे रही है। इन सबके बीच ओपिनियन पोल ने जो रुझान दिए हैं वो ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ओपिनियन पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में BJP के दमदार प्रदर्शन के बावजूद ममता बनर्जी की नेतृत्व में TMC एक बार फिर सत्ता बनाने में सफल हो सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार पश्चिम बंगाल में TMC को 294 में से 154 सीट मिल सकती है। वहीं पहली बार राज्य में 100 से अधिक सीटों पर BJP को जीत मिल सकती है। BJP के लिए यह आंकड़ा बहुत बढ़त का मुद्दा हो सकता है। BJP जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रही है, उससे यह माना जा रहा है कि BJP राज्य में 100 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन यह आंकड़ा किसी भी तरह बहुमत के पास नहीं पहुंचेगा। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी BJP की उम्मीदों को झटका लगा है। यहाँ पर UPA यानी कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बन सकती है। इस गठबंधन में कांग्रेस के अलावा DMK शामिल हो सकती है, जिसके नेता स्टालिन लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में NDA की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर केरल में CM PV जैन के नेतृत्व वाली LDF दोबारा वापसी कर सकती है। इन सबके अलावा असम में NDA को फिर से सत्ता मिल सकती है। इस राज्य में 126 सीटें हैं, जहां पर NDA को 67 सीटों को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओपिनियन पोल के नतीजे BJP के लिए सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन BJP इस राज्य में सत्ता बनाने से काफी दूर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल करने वाली BJP इस बार राज्य में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकती है। BJP की इस जीत के आंकड़े में ममता बनर्जी को 57 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में 211 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के गठबंधन को 33 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में 211 सीट मिली थी। ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कांग्रेस और वाम दलों के खाते में 33 सीटें जा सकती हैं, यानी कांग्रेस इस बार भी पश्चिम बंगाल की सत्ता से दूर रह सकती है। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में अम्मा की पार्टी AIDMK के साथ BJP की उम्मीदों को झटका लग सकता है। राज्य की 234 सीटों में UPA, जिसमें DMK, कांग्रेस और अन्य पार्टियां शामिल हैं, उसे 158 सीटें मिल सकती हैं। वहीं AIADMK और BJP के गठबंधन को 65 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को तमिलनाडु में 10 से अधिक सीटों पर जीत मिल सकती है। ओपिनियन पोल के नतीजे असम से BJP के लिए अच्छी खबर लेके आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में NDA को एक बार फिर से बढ़त मिल सकती है। इस बार चुनाव में NDA के गठबंधन को 126 में से 67 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं UPA अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 39 से बढ़कर 57 सीटों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा राज्य की अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। सी वोटर और टाइम्स नाउ के सर्वे में राज्य में मुख्यमंत्रियों के पद को लेकर भी एक सर्वे किया गया है। इसमें लोगों से पूछा गया कि CM के रूप में उनकी पहली पसंद कौन है। इस सर्वे में केरल में मुख्यमंत्री के रूप में PV जैन अब भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा पसंदीदा मुख्यमंत्री की लिस्ट में M. रामचंद्रन का नाम है, जिन्हें 2.5% लोग CM के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके अलावा KK शैलजा को 5.9% और रमेश चेन्नीथला को 4.2% लोगों का समर्थन हासिल हो चुका है। लेकिन इन सब में PV जैन सबसे ऊपर हैं, जिन्हें केरल के 38% लोग दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अगर CM पद के मामले में तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर MK स्टालिन जनता की पहली पसंद बन गए। ओपिनियन पोल में 38% लोगों ने उन्हें अपने CM बनने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया है। वहीं मौजूदा CM पलानीसामी के पक्ष में 31% लोग हैं। वहीं एक्टर से राजनेता बने कमल हसन के लिए 7% और रजनीकांत और शशिकला को 4-4% लोग CM पद के रूप में देखना चाहते हैं। ओपिनियन पोल के नतीजों में सबसे बड़ी बात केरल को लेकर सामने आई है। केरल में 56% लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री बने। ओपिनियन पोल के नतीजों ने कुछ राज्यों में BJP की धड़कनों को तेज कर दिया है और कुछ राज्यों में BJP के लिए खुशी का माहौल भी स्थापित हो गया है। और इन सबके बीच पार्टियां अपने चुनावी बयानों, चुनावी प्रचार अभियानों और चुनाव के तमाम तैयारियों में जुटी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 मई को जब EVM का बक्सा खुलेगा
तो उसमें किस राजनीतिक पार्टी को जीत मिलेगी और किसे मात का सामना करना पड़ेगा। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।